अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज के दिन हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ है मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, और साथ साथ वो इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर वेट एंड सी की पोजीशंस देख रहे थे, आज के दिन 45,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर अचीव हुआ है। साथ साथ ये बैरियर हमने काफ़ी अरसे बाद अचीव किया है, यानी कि तकरीबन हम देखें तो 15 मंथ्स बाद ये बैरियर जो है वो हमारे पास आया है। साथ साथ वॉल्यूम्स की बात करें तो आज के दिन वॉल्यूम्स भी बहुत अमेजिंग देखे गए। आज के दिन यानी कि हम कह सकते तकरीबन 1.5 से 2 साल बाद इतने अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं मार्केट के अंदर। इतने तमाम वॉल्यूम्स का आना, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन और साथ साथ ये नंबर्स का आना एक ट्रस्ट लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखाई देता है। साथ साथ सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो है वो कर दिए गए हैं रिजर्व। साथ साथ हमारे पास जो है वो अच्छे रिजर्व बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसे आपके पास फॉरन करेंसी बढ़ती जाएगी तो साथ साथ हमारी जो इकोनॉमिक रिवाइवल है उसके अंदर एक अच्छा तसलसल पैदा होगा, और इसी सिलसिले को कंटिन्यूटी की तरफ यानी कि इसी अगर हम स्पीड में रहे तो अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को हल कर लेंगे। चैलेंजिंग टाइम्स ओवर हो गए हैं, अब पॉजिटिविटी आएगी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से। ग्रीन इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट आना, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना और साथ साथ उन प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना जो कि हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है। फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई, कल हमने सेमिनार के अंदर देखा बहुत ज़बरदस्त कोशिशें की गई और साथ साथ ये अहद किया गया कि अब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इन्फ्लेशन के नंबर बड़े अच्छे आए हैं, यानी कि कम हुए हैं, और इस मंथ के स्टार्ट में ही एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। तो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करेंगे, इन्फ्लेशन के कम होने से क्या क्या जो इम्पैक्ट है, क्या क्या रीजंस हैं सामने आएंगे और किस किस सेक्टर को इससे फायदा होगा, आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड लास्टली करेंसी के हवाले से बात करेंगे। करेंसी वैल्यूएशन बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, पाकिस्तान का रुपी पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा है कि इस वीक के अंदर जो एक ज़बरदस्त किस्म की हम कह सकते हैं कि रुपी ने एप्रिसिएशन दिखाई है, इस एप्रिसिएशन के बाद रुपी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी देखा जा रहा है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, सैयद खालिद फातमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको शामदीद कहते हैं। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फातमी साहब, वेलकम टू द शो। सर क्या कहेंगे आज के दिन, प्रोग्राम के आगाज में ही इतनी बैक टू बैक गुड न्यूज मिल गई हैं, कैसे देख रहे हैं तमाम इकोनॉमी की एक्टिविटी को? देखिए, जो अभी आपने इंट्रो में ग्रीन पाकिस्तान की बात की, ये बहुत अहम था और इसे और बल्कि पहले शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के बाद 1987 के बाद और पेरिस मुआहदे के बाद जो पूरी दुनिया ने महसूस किया वो ये है कि आने वाला 50-100 साल पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग है इन टर्म ऑफ वेदर, टर्म ऑफ एग्रीकल्चर और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। इसीलिए बहुत पहले यूरोप अमेरिका ने उसकी तैयारी की, हमने भी बहुत फास्ट किया है, काफ़ी हद तक कवर कर लिया है, लास्ट ईयर हमने देखा है। अच्छा, इसमें आप देखें कि 2010 में जो अमरीका की कंपनी है फोर्ड मोटर्स वाले, उन्होंने बाकायदा ग्रीन गो ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से फ्रेंचाइज भी देना शुरू किया कि आप हमसे आइडियाज़ ख़रीद सकते हैं, और 1700 उसकी पूरी दुनिया में ब्रांचेज हैं। अच्छा, इसी तरह हिंदुस्तान में 1987 में टाटा जो बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट हैं और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट कंपनी, उन दोनों ने मिलकर ये शुरू किया। तो सही मानों में सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने बहुत पहले शुरू किया, हमने बहुत बरवक्त इसकी तरफ, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर के सैलाब के बाद आपने देख लिया जो हालात हैं। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये देखना होगा कि जस्ट टू गो इनटू द ग्रीन पाकिस्तान, बहुत सारी जो रुकावटें उसको कैसे, जिसमें बहुत सारी क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा हर्डल है जो हमें जानना चाहिए, और उसके लिए जो उस सब्जेक्ट के माहिरीन हैं, यानी एक इकोनॉमिक्स का कोई काम नहीं है उसमें, कोई हिस्टोरियन का काम नहीं है, कोई डॉक्टर का, वो लोग जो मौसम के हवालों से साइंस के अंदाज में वाकिफ हैं उनसे हमें मदद लेनी चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी हमारा पाकिस्तान का मसला है वो है ज़मीनों की पैदावार का ज़िया जो हम नहीं रोक पा रहे हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है, हालांकि ज़िया से क्या मुराद है, यानी ज़ाया जो हो जाता है बहुत सारे फूड। हाँ, अच्छा, तीसरी बात अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड फूड के इश्तराक के बाद हमारी जो पाकिस्तान की पैदावार बहुत अच्छी क्वालिटी और अच्छी हो रही है और ज़रूरत भी पूरी हो रही है। लेकिन अभी 2018 की रिपोर्ट है कि 27% जो लोग हैं वो जो न्यूट्रिशन के हवाले से बिलो एवरेज चले गए हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिली। और सबसे इसमें एक और अहम चीज़ है
कि जो पॉपुलेशन है ये बहुत बड़ा हमारा मसला है। अच्छा, तो जब पॉपुलेशन बहुत बड़ा मसला है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो सवाल ये है कि अगर आप एक तरफ से ज़मीन को हरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आदमी बढ़ता जा रहा है तो मुश्किल कर जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जो दरख लगाने की स्कीम जो पहले पीएमएल ने किया, फिर पीटीआई ने किया, फिर अब ये लोग करें, ये बहुत अच्छी, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो तमाम जोन जो नॉर्थ के हैं यानी पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर, ये तो समझिए कुदरती लिहाज से ग्रीन ही है, मतलब इनके पास तो ग्रीन ही ग्रीन है। तो हम बहुत सी जगह आपको रोज़ रिपोर्ट मिलेगी कि हम इसे काट देते हैं या टिम्बर बना देते हैं या लकड़ियों के कारोबार के, जो हमें अब रोकने की ज़रूरत है। कराची के हवाले से मैं इसलिए कहता हूँ कराची में रहते हैं कि एक ज़माने बहुत शोर था कि हम पूरे शहर में दरख लगाएंगे, लेकिन हम वो रफ्तार नहीं देख रहे हैं, बल्कि मैंने ये देखा कि जो अच्छे इलाके हैं कराची के, जो उमरा के इलाके, उन्होंने ये किया है कि जैसे अपना मकान 1000 गज या 2000 गज पे बने तो मकान की कंस्ट्रक्शन के साथ ही वो दरख लगा देते हैं 4-5 खजूर के, आम के। दिस इज़ ए वेरी गुड साइन। कराची के जो मौसम आप देख रहे हैं इस साल, आप खुद ही अभी बाहर से आई हुई, जो गर्मी पड़ रही, जो शिद्दत और हिद्दत है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और ख़ास के उन लोगों के लिए जो गरीब हैं और जो कम आमदनी वाले हैं और जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ आसानियाँ एयर कंडीशन या पंखों की भी नहीं, फिर लोड शेडिंग बहुत बड़ा मसला। तो हमें गो ग्रीन जो है, इट इज़ आर्मी चीफ भी उसमें मौजूद थे और उन्होंने एक अच्छा मैसेज ये दिया है जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है वक्त की। आप बहुत सारे एतराज़ात भी कर सकते हैं और इख्तलाफ भी, लेकिन वक्त की ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान में सबको मुत्तहिद होके काम करने की, क्योंकि हम बहुत अपनी हमाकतों से बहुत पीछे रह गए इस रेस में जो दुनिया की रेस चल रही है इस वक्त। तो इसको कवर करने के लिए हमें अपनी रफ़्तार ज़रा तेज़ करनी होगी ताकि हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबिल खड़े हो सकें। अच्छा, इंडस्ट्रियल, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा ज़रात पर बात भी करती हैं हर प्रोग्राम में, कि ये हमारा समझिए गोल्डन फाइबर है, यानी 62% ऑफ द रेवेन्यू नॉर्मली वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, लेकिन हम एग्रीकल्चर में मार खा रहे हैं दो चीज़ों में, नंबर एक मशीन्स में, क्योंकि हमारे पास बहुत एडवांस नहीं, और उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि अगर मशीन्स हैं तो हमारे पास टेक्निकल लोग नहीं हैं रन कर। तो बड़ी मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन अब उनके साथ स्किल्ड लोग भी चाहिए ना आपको। अब आप अगर गांव में देहातों में दे दें तो बहुत सी जगहों पे परेशानियां हो रही। तो ये वो चंद चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ इट इज़ वेरी गुड, और ये वक्त की आवाज़ है कि यू हैव टू टर्न योर कंट्री इन टू द ग्रीन, क्योंकि जो तबाही आने वाली, जो लोग तारीख पे गिरफ्त रखते हैं या जो एंशियंट हिस्टोरियन हैं वो जानते हैं कि हर 12,000-14,000 साल पे ज़मीन पूरी अपनी शक्ल बदल देती है, और मकसद यानी बर्फानी इलाके रेगिस्तानी। आदमी साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक तरफ आपने कहा कि हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो इस चीज़ के माहिर हैं, हमें माहिर चाहे वो, अगर हम क्लाइमेट की बात करें या हम एग्रीकल्चरिस्ट की बात करें, तो हमें उन लोगों को बिठाना चाहिए, उन लोगों को पॉलिसी के अंदर लाना चाहिए, वो बनाएंगे तो उनको पता होगा कि आने वाले दिनों में कैसा उसका रिजल्ट आएगा। आप क्या समझते जो प्रोडक्ट्स टारगेट की जा रही हैं, जिसमें हमारे साथ एक वो जो एक हम कह सकते हैं वो सीजनल या फिर वो जो हमारी एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कॉटन, वीट और जो हमें चाहिए रिक्वायरमेंट हैं, तो उनको तो टारगेट किया जा रहा है, साथ साथ कुछ ऐसी नीच आइटम्स भी किए जाएं जो कि हमारे लिए पॉसिबिलिटी होती है, हम हमेशा इम्पोर्ट पे जाते हैं, ऐसे आइटम्स भी किए जा सकते हैं ना जो कि हम उसको बाद में यूज कर सकें। आप, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको रिसर्च टीम आपके पास होनी चाहिए जिसमें यानी जिसमें सरकारी अड़ंगा कम हो, यानी जिसको कहते हैं ना इंटरफेरेंस कम हो, ताकि वो लोग, अब उनको आप देखिए होता क्या, मैं छोटी सी बात बताऊं, एक पाकिस्तानी है पंजाब यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी को, एक इंडियन है या कहीं का, वो जब अमेरिका पहुंचता है उनको ज़रा सा भी पता चल जाए कि ये साइंटिस्ट है या फिजिस्ट है या केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है, तो वो खुद ढूंढ ढांड के उसको निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर उसने कहा भी कि नहीं भाई मुझे नौकरी नहीं करनी आपके, तो वो करते ही है कि उनको एक लैब बना के पैसे दे देते हैं कि भाई ये 50 लाख ये दो जो भी हो वट एवर, आप रिसर्च करते रहिए, हमें कुछ नहीं, और आप कुछ दीजिए भी मत, आप रिसर्च करते, क्योंकि उनको पता है कि जो रिसर्च करेंगे वो उनको मिल जाएगा, इसीलिए ऑटोमेटिकली फायदा होगा, वो हो जाता। यानी आप हैरान होंगी कि अगर बहुत अंदर जाएं यूरोप अमेरिका में तो 90% साइंटिस्ट आपको इंडियन, पाकिस्तानी, कोरियन, चाइनीज एंड जापानीज मिलेंगे, अमेरिकन कम मिलेंगे, अमेरिकन टॉप पे बैठे हुए, क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने फ्री कर दिया। तो आपको भी ये आसानियां देनी होगी लोगों को,
कि जो लोग इस सब्जेक्ट के माहिर हैं, जैसे अक्सर बात होती है मदनियात पे या नहीं कि भाई ये जो हमारे यहाँ खजाने छुपे हुए, हमारे पास लोग नहीं। आज देखिए ना, अब मैं सिगरेट पी हूँ, लेकिन हमारे पास एक ये भी तो देखा जाता है ना कि माइंस और मिनरल्स की बात करते हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज तो है लेकिन इतना क्रंच हो जाता है कि हम उसको कर नहीं पाते प्रॉपर। कहीं तो कहीं लैप आ रहा ना, कहीं मिसमैनेजमेंट हो रहा। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इसकी एक मिसाल आपको बता दूं कि अगर मुझे ला के कोई 5 किलो का वो दे दे हीरा जवाहर, तो मैं तो उसको लेके घूमता रहूं, मेरे तो किसी काम का ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसकी क्या कीमत है, 15 करोड़ या। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि आप उन लोगों को नहीं रख रहे हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी देखिए, मिनिस्टर्स हम अपना काम कर रहे हैं, सिक्योरिटीज अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हर शोबे में जो अब मेडिकल की अगर आपको कोई चीज़ पूछनी तो भाई डॉक्टर से पूछेगा, मुझसे तो नहीं पूछेगा, मुझे क्या पता, मैं तो जनरल बता सकता हूँ कि भाई ये कर लें ये कर। तो हमारे यहाँ अभी तक वो रुझान नहीं पैदा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये रुझान है कि अगर बड़े साहब ने कह दिया तो आमना सदकना मानना है आपको, ना दैट इज़ नॉट द, क्योंकि अगर तो आपने हर फील्ड के एक्सपर्ट्स ला दिए और उनको फ्री हैंड दिया कि वो रिसर्च करें, काम करें, तो आप यकीन करें प्रॉब्लम कोई नहीं। अच्छा, इन्फ्लेशन के नंबर अच्छे आए हैं। हाँ, माशाल्लाह 38 से 28 पे आ गए हैं, समथिंग लाइक आज मैं सुबह देखा 28% इन्फ्लेशन आ चुकी है, और अब ये भी इशारे किए जा रहे हैं कि और जो है वो इसमें कमी आने के इम्कान हैं। उन्होंने आज की रिपोर्ट देख रहा था ट्रिब्यून में, वो कह रहे थे कि 2024 में ये 12-14% पे आ जाएगा, exactly. और 25 में 11% कुछ इस तरह का के फिगर थी 19-20 अगर यही स्पीड रही, अगर यही देखिए, इसमें दो चीज़ समझ लें आप, ये ऐसा ही है जैसे बकरीद की खुशी में 3 दिन आप कुर्बानी में मगन रहते हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, उसका सो जाते हैं, पूरे साल ना इबादत ना रियाजत ना सब भूल जाते हैं। तो यही पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, मैं मिसाल दे के बता रहा हूँ कि ये जो स्प्रिट आई है, ये जो आग है, ये जो आप समझे फ्लेम है, ये फ्लेम हुआ है एक तवील 1 साल की मायूसी के बाद अचानक IMF की अप्रूवल कर, वहीं आई ना, वरना आप ये हम बैठे बात करते क्या होगा भाई नहीं होगा। अजय, तो ये वी मस्ट कीप दिस फ्लेम अलाइव, ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमने कहा मिल गया, ये हमारा अपना और सबका काम है कि अब इस मतलब जो आपको ये मिल गया, इसको कामयाब रखें, मिल गया। अच्छा, ये मिलना 3 अरब या 4 अरब इज नॉट इम्पोर्टेंट, इस मिलने के हवाले से बहुत कुछ मिलेगा आपको। और सबसे बड़ी बात ये कि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस, ग्लोबल कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। राइट, आपके पास फादमी साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी, शाहिद अली हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। शाहिद साहब, ये बताइए कि कितना जबरदस्त एक अच्छा मार्केट के अंदर न्यू सेंटिमेंट्स देखे जा रहे हैं, क्योंकि काफी अरसे से मिस भी कर रहे थे, अब नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत ही बड़ी सेलिब्रेशन की बात है कि हमारी मार्केट जुलाई के महीने में अभी तक 12% से ज्यादा डॉलर टर्म्स में बढ़ चुकी है, जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन गई है। सबसे अच्छी बात तो हो गई है, और इसमें डेफिनेटली आपने जिक्र किया होगा, इसमें ये IMF का जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव किया है, जो कि $30 बिलियन का, जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो सबसे बड़ा रीजन है। और जो $2 बिलियन आज सऊदी की तरफ से जो है हमें मिल गए, और इसके अलावा इंशाल्लाह 12 तारीख को अप्रूवल हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, और इसके बाद UAE का भी आएगा, तो इस महीने कोई अराउंड हमारे पास $4 बिलियन का इनफ्लो हो जाएगा। दो तो हो गया, और 1.1-1.2 अभी होगा, और $1 बिलियन और होगा UAE का, तो और इसके अलावा बाद में अगस्त के महीने में हो सकता है IDB का भी हो जाए। तो हमारा ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये सारे इनफ्लो की वजह से बहुत ज्यादा खुश हैं, और एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अरसे से जो है वो लोग मुंतजर थे इस इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए। देखें, रुपी डॉलर पैरिटी भी कितने कंट्रोल में आ गई है, तो ये जब माहौल होता है तो इन्वेस्टर जो है ना, सबसे पहला इन्वेस्टर आता है स्टॉक मार्केट में, इसके बाद जो है वो बिजनेस एक्टिविटी शुरू होती है। तो बिजनेस एक्टिविटी भी इंशाल्लाह शुरू होगी, जिन लोगों को नए बिजनेस में पैसे डालने हैं वो डालना शुरू करेंगे, एक्विजिशन का माहौल शुरू होगा, तो वैल्यूएशन बेहतर होना शुरू हो रही है, तो ये सेलिब्रेशन की बात है। साहब, यानी कि वो सिस्टमेटिक वे एक में जो चेन थी वो चलती हुई दिखाई देगी, ये इकोनॉमिक की चेन, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में? इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात की जा रही थी, बड़ी एक डिफिकल्टी देखी जा रही थी पॉलिसी रेट के हवाले से, इन्फ्लेशन के नंबर कूल डाउन हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आगे चल के इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से भी और पॉलिसी रेट के हवाले से भी?
जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने टॉपिक पे डिस्कशन किया कि जाहिर है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है मंथ ऑन मंथ कम होना शुरू हो गए हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता हर महीने हाई बेस इफेक्ट की वजह से कम होना शुरू होंगे। ऑल दो इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़े हैं और बढ़ेंगे, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन ज्यादा प्रोनाउंस जो फर्क आएगा वो हाई बेस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू होगी। हमारी जो रिसर्च की एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इंशाल्लाह जो फर्स्ट हाफ 2024 है उसमें अच्छा खासा इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू होगा, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो आपको 22% पे अभी हैं वो उसमें डिक्लाइन होना शुरू होगा फ्रॉम फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स। तो 22% से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हमारे ख्याल में जो है इंशाल्लाह जब हम जून में होंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 16-17% तक जा सकता है, तो ये नंबर इतना अच्छा नंबर होगा कि इसकी वजह से जो है वो एक मोमेंटम क्रिएट होगा, लेकिन ये होगा लेटर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, फरवरी के ऑनवर्ड होना शुरू होगा। तो ये आपको पता है ना कि हमारी मार्केट जो है वो पहले से इम्पेक्ट करना शुरू करती है, तो ये सारी चीजों की वजह से मार्केट इंपैक्ट करेगी आहिस्ता आहिस्ता। भी हम बहुत ही कम प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं, और ये सारा कुछ पॉजिटिव जो चीज है ना ये अल्टीमेटली जो है वो ट्रांसलेट करेगा इनटू वैल्यूएशन, और ये इंटरेस्ट रेट जो आप कह रही हैं इंटरेस्ट रेट भी कम होना शुरू होगा, ये हाई पीक हो गया है, मुझे तो लगता है कि ये पीक है और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन भी पीक हो गया, इन्फ्लेशन भी अब कम होना शुरू होगा। अच्छा, रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से बात की, रुपी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी देखी जा रही है, आप क्या समझते हैं रुपी के अंदर कितनी गिरावट फर्दर देखी जाएगी, यानी कि एप्रिसिएशन देखी जाएगी और डेप्रिसिएशन डॉलर के अंदर देखी जाएगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, एप्रिसिएशन रुपी में फायदा नहीं है ज्यादा हो, बिकॉज अल्टीमेटली चूंकि हम IMF प्रोग्राम में है ऑलरेडी रुपी ने परफॉर्म कर लिया है, ठीक है ना, 280 का भी हो गया है ये टू, मतलब अगर ओपन मार्केट रेट तो जो है वो 310-315 का था जी, और ये अब करीब करीब ही है, तो मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से हमें स्टेट बैंक को रिजर्व भी बिल्ड करने होंगे, तो आई डोंट थिंक के रुपी को 260-265 तक लिया जाए और फिर दोबारा से ऊपर आ जाए, इससे बेहतर है कि एक जगह पे स्टेबल रहे, एक जगह पे 275-280 के बीच में रहे, और ये अगर स्टेबल रहता है अगले 3-4 महीने तो और कॉन्फिडेंस आएगा रादर देन ये वोलेटाइल रहे, सो इट्स बेटर टू हैव अ स्टेबल एक्सचेंज रेट रादर देन अ स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट के चक्कर में फिर होगा ये कि बाद में जाके जब हमारी डिमांड बढ़ेगी इम्पोर्ट की और LCs की तो ये फिर डिप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये अभी अच्छे रेट पे है, और यहाँ पे स्टेट बैंक को चाहिए कि अगर अब जितना अवेलेबल होता है करेंसी उसको बिल्ड करे, और आगे जाके करंट अकाउंट डेफिसिट आता है ताकि वो मैनेज होना शुरू हो, बिकॉज हमें LC भी ओपन करनी है, हमें इम्पोर्ट भी ओपन करनी है, तो जिसकी वजह से, तो आई थिंक इट इज एट अ वेरी रीजनेबल लेवल, और यहाँ पे स्टेबल होना जरूरी है, तो ये अचीवमेंट होगी बहुत बड़ी। बड़ी अच्छी बात कही है शाहिद साहब आपने, और काफी डिटेल बताया है रुपी के हवाले से। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हमारे पास इस वक्त रिजर्व जो है वो कितने हो जाएंगे इस साल के अंदर, यानी कि हम फिस्कल ईयर की बात नहीं कर रही, मैं ईयर की बात कर रही हूँ, एनुअल ईयर, तो कितने रिजर्व हो जाएंगे हमारे, बढ़ जाएंगे, और उसके बाद जब पेमेंट की बात आएगी तो हमें कितनी रीपे करना है? जी, हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जैसे अभी अगर 4.4 बिलियन डॉलर पे हम खड़े हैं तो हमें लगता है कि ये 7.5 बिलियन डॉलर जो है वो दिसंबर एंड तक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसमें जाहिर है 2 बिलियन डॉलर सऊदीया का आया, 1 बिलियन डॉलर UAE का आएगा, 1 बिलियन डॉलर IDB का आएगा, 2 बिलियन डॉलर दिसंबर तक जो है वो IMF से आएंगे, और इसके अलावा जो हमें रीपे करना होगा हमें वो कुछ रोल ओवर हो जाएंगे हमारे, जैसे चाइना सऊदी का रोल ओवर हो जाएगा, कुछ हमारा मल्टीलेटरल का है जो कि पे भी करेंगे हम लोग 2.5 बिलियन डॉलर और हमें मिलेंगे भी, और कुछ हमारे कमर्शियल लोन है जो हमें पे करने पड़ेंगे 2 बिलियन डॉलर के, 2.25 बिलियन डॉलर के, और कुछ जो है हमें फ्लड रिलीफ के ऊपर हमें पैसे मिलेंगे 1 बिलियन डॉलर, 1.25 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर, तो और करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है बिकॉज हमने इम्पोर्ट खोलना है, मतलब मंथली अगर हम 200-300 मिलियन डॉलर का रन रेट रखें तो तकरीबन 1.8 बिलियन का, 1.5 बिलियन डॉलर का ये रन रेट हो सकता है, तो ऑल इन ऑल दीज नंबर्स पुट टुगेदर हमें लगता है कि 7.5 बिलियन डॉलर जो है उससे हम क्लोज करेंगे इंशाल्लाह
December 31st को। अच्छा, एक और बात ये कि टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है, थोड़ा सा हमने ये देखा कि IMF ने हमें कंडीशनैलिटीज तो दिखाई, साथ साथ हमें ये नवीद भी दे दी चले कि आपके पास अच्छा अमाउंट आ जाएगा, और $3 बिलियन की बात की जा रही थी, वो उनकी अपनी शराइत है 9 मंथ्स के अंदर। लेकिन बात यह है जो उन्होंने रिफॉर्म्स की बात की, जिस तरीके से उन्होंने बात की कि ये इम्प्लीमेंट होगा, उसको कैसे देखते हैं आप कि ये कंडीशनैलिटीज हमारे हमें सूट करती हैं, हमारे लिए ज़रूरी थी ये एक कड़वा घूंट लेना दवाई का? ठीक है, डेफिनेटली हमें टैक्सेस तो बढ़ाने हैं ना, टैक्सेस इसलिए बढ़ाने हैं कि हमारे जो कॉस्ट है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो डेट सर्विसिंग है। ठीक है ना, 8 ट्रिलियन का हमारा पूरे साल का डेट सर्विसिंग है, और उसको हमें पूरा करने के लिए अगर हमें 9.4 ट्रिलियन का हमारा टैक्सेस है, हमने जाहिर है अब हमारा हमें टैक्सेस किसी न किसी तरीके से चाहिए। अब चाहे वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से हो या चाहे वो आप ब्रॉड बेस करें, हमारी तो हमेशा से इल्तिजा यही होती है सब लोगों की कि ये ब्रॉड बेसिंग हो। लेकिन चूंकि ब्रॉड बेस करना एक चैलेंज ये होता है कि IMF को तसल्ली नहीं होती कि ये ब्रॉड बेस से आप अचीव कर लेंगे, तो वो चाहते हैं कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही करके हमें वसूल करके दे दें। ठीक है ना, क्योंकि हमारे कॉस्ट जो है वो तो बिल्कुल नजर आ रहे हैं ना, कॉस्ट क्या है, हमें तो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट हमारी है, उसमें तो हम कुछ कटौती कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा 22% का है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रॉड बेस नहीं हो पा रहा, एग्रीकल्चर पे और रिटेल ट्रेड पे और होलसेल ट्रेड पे हमने टैक्स लगा नहीं सके, लेकिन हम एग्जिस्टिंग टैक्स पे तो कर रहे हैं। लेकिन सही है, हमें तो टैक्सेस तो किसी न किसी तरीके से अचीव करने हैं, तो कड़वा घूंट तो हम पी रहे हैं, सारी आवाम जो टैक्स देती है वो पी रही है, जो नहीं टैक्स देती उसके ऊपर। लेकिन इस बार शाहिद साहब एक चीज तो आइडेंटिफाई हो गई कि जो फाइलर है उनको 15% देना है, तो नॉन फाइलर को 30% देना है या 15% देना है, मतलब उनके पास बढ़ जाता है, या 10% है तो 15% हो जाता है। तो ये जो एक यू नो बायसनेस की जा रही है, सही की जा रही है, ताकि नॉन फाइलर को भी एक मोटिवेशन मिले कि वो फाइलर बने, आप समझते हैं ये दुरुस्त इकदाम है? ये बिल्कुल दुरुस्त इकदाम है, फाइलर का और नॉन फाइलर का तो बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए। लेकिन हमें कोशिश ये भी करनी चाहिए कि नॉन फाइलर को वो डॉक्यूमेंट भी करें, मतलब वो बहुत सारी इनकम छुप जाती है जिसकी वजह से वो टैक्स में ही नहीं आती ना, तो होता ये है कि वो आपको नजर तो आ रहा है कि वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन जो वो डिक्लेयर कर रहा है उसी का टैक्स दे रहा है ना, जो डिक्लेयर नहीं कर रहा वो तो टैक्स नहीं दे रहा। तो बहुत सारी चीजों में अपनी जो बिजनेस इनकम में वो टैक्स बचा लेता है, तो वो वहाँ उसको वो पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं कि यार मेरा बिजनेस तो बगैर टैक्स के चल रहा है, ठीक है मैं जहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस है वहाँ मैं ज्यादा दे रहा हूँ, तो वो उसको इतना बर्डन नहीं लगता। तो हमें मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी तरीके इस्तेमाल करने चाहिए कि हम किसी तरीके से जो हमारे जो लोग ट्रेवलिंग करते हैं, जो लोग गाड़ियों के मालिक हैं, हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल है, नादरा के पास बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम मौजूद है, हमें मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे तरीके से इनको टारगेट है, बैंक्स में पैसे होते हैं तमाम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इस तरीके से तो निकाला जा सकता है, बस विल है। और शाहिद साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। वन लास्ट क्वेश्चन मार्केट के ट्रेंड के हवाले से पूछना चाहूंगी, जो ये बुल रन कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, या फिर ये नंबर्स, ये रौनकें जो देखी जा रही है मार्केट के अंदर, ये कब तक फर्दर आप समझते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुल रन की तरफ ही रहेगा? मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बुल रन का या तो कंटिन्यू रहेगा, या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा कंसोलिडेट भी करेगी, थोड़ी करेक्शन अगर आती है तो वो अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इंडेक्स जो है वो बढ़ जाएगा, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इंडेक्स को बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ इंडेक्स के बड़े बड़े स्टॉक्स की ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसी स्टॉक्स में भी काम करना चाहिए जिसकी अर्निंग ग्रोथ अच्छी हो, जिसका डेट जो है वो कम हो, जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अगले एक साल में, 18 महीने में जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो मुझे रौनक लगती है, मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी। वेल, थैंक यू सो मच शाहिद अली हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख रहे हैं कि इंडेक्स के नंबर्स वाकई बहुत ज़बरदस्त देखे जा रहे हैं। वी आर होपफुल कि मार्केट आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करे। फातमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फातमी साहब टैक्स के रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस अब वाजे है, और ये वाजे गवर्नमेंट ने ही किया है, क्योंकि वन ऑफ दी यू कैन से दैट के वन ऑफ दी IMF कंडीशनैलिटी और समथिंग के यहाँ पर रिफॉर्म्स हमें करने ही थे, क्योंकि बहुत हो गया, अब ज़रा तरीके का निज़ाम चले। ये बहुत अच्छी कोशिश है इनकी,
क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि हमें तो उस एंड पे पहुंचना, डेस्टिनेशन हमारी ये है कि जहां भी आप दो पैसे कमा रहे हैं उसका आपको हिस्सा जो टैक्स का, इसको आप इस तरह समझ लें कि जैसे ये तय बात है कि जो आपकी आमदनी है उस पर आपको ज़कात देना मज़हबी लिहाज से, तो इसी तरह सरकारी है कि जो आप पैसे कमा रहे हैं, जो 100 रुपये कमा रहे हैं तो 2.5 रुपये दे दें, 3 रुपये, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आप कमा रहे हैं तो आप पैसे सिरे से देंगे नहीं। जो यूरोप अमेरिका ने किया है कि टैक्स, ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का मसला है वो तो इसी लिए ना कि हमारे यहाँ लोग नहीं देते हैं। हकीकत ये है कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि हमारे यहाँ आम ठेले वाले की भी आमदनी रोज़ाना बाज़बत 10 से 50 हज़ार रुपये की होती, जो हम सब ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, लेकिन वो आखिर तक गरीब रहता है क्योंकि छापड़ी लेके घर चला जाता है। वो हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, मैं तो इस मैं कह भी नहीं सकता प्रोग्राम में। साहब वो तो फिर कोई भी सामान खरीदता है तो वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट टैक्स तो देता ही है ना, हम तो उनकी इनकम की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा है। वो भी नहीं, सवाल आप जो कमा रहे हैं उस पर तो देंगे ना टैक्स। अगर आपने एक दुकान लगा के 50,000 महीना कमाया या 1,00,000 कमाया, 50,000 रिटेलर की बात कर रहे हैं आप, रिटेलर की बात। हाँ रिटेलर, मतलब कोई भी हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो। अच्छा बहुत सी देखिए ना, आवाम से तो आप टैक्स ले लेते हैं, 18% GST ले लेते हैं ना हर आदमी से, जिस पे मैं हमेशा एतराज करता हूँ कि वो गलत है, वो ज्यादती है गरीब लोगों के साथ, लेकिन है बहरहाल हुकूमत की मर्जी है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि आपको चेक मिल रहा है, हमें चेक मिल रहा है, लोगों को पता है कि भाई इनकी आमदनी, लेकिन वो आमदनी जैसे देखिए सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, पूरे यकीन और वसूख से कह सकता हूँ कि बड़े से बड़े कारोबार यहाँ कैश में होते, क्यों आप मुझे बता दीजिए। यानी आप बताएं शारा फैसल में बड़ा रेस्टोरेंट, इससे फॉर एग्जाम्पल ना, मैं कोई मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा वो आपसे कैश लेता है, क्यों कैश लेता है भाई, आप क्रेडिट कार्ड पे ले, चेक पे ले, किसी और तरीके से ले, तो नतीजा ये है कि इस वजह से बहुत सारी दुश्वारियां, क्योंकि आपके यहाँ क्रॉस चेकिंग नहीं है, क्रॉस चेकिंग नहीं ना, जब क्रॉस चेकिंग नहीं है तो आप कैसे करेंगे। आपको ज़रूरत इस बात की है कि हर हाल में आप जो है ये तमाम लोगों को कन्फाइन करें कि जो लोग इस मुल्क में कोई सा भी काम कर रहे हैं छोटा या बड़ा, वो टैक्स ज़रूर देंगे, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये टैक्स फाइलर ने, आपने ये रखा है कि नॉन फाइलर पर ज़रा ज़्यादा रख दिया बोझ और फाइलर पे कम, यही किया है ना आपने, होगा इससे हो सकता है थोड़ी सी आदत तो डेवलप हो, लेकिन मसला आदत डेवलप होने का नहीं, मसला ये है कि लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि वो इस मुल्क में रह के अगर पैसे कमा रहे हैं तो उनको टैक्स देना चाहिए। और अच्छा इसमें भी फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गरीब है जो टैक्स नहीं दे पा रहा है, वो उसका भी तरीक़ेकार है जो यूरोप अमेरिका में, कि फिर आप रिफंड कर देते हैं उसके पैसे, करते हैं आप रिफंड कर दो, तो उसके लिए यानी आप अंदाज़ा करें कि बाहर की दुनिया में जब टैक्स फाइल होता है, यहाँ जून में होता है दिसंबर में होता है। शाहिद साहब ने मेरे ख्याल में सही बात कही है कि आप थोड़ा सा आपको और वाज़े फर्क ब्रॉडनिंग करना होगा ताकि आपको ये पता चले, लेकिन ये तय करना होगा आपको कि माफ़ी किसी के लिए नहीं है। अच्छा दूसरी ये बात कि ज़बरदस्ती भी नहीं है, मतलब लोगों को समझ इसमें है कि अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप रिटेलर के पास जाएं जिसकी बहुत डरते हैं, वो कहते हैं यार एक बार अगर मेरा नाम आ गया ना ये पीछे पड़ जाएंगे हमारे, जान को आ जाए, दफा करो यार ये। अच्छा दूसरे क्या अवेयरनेस का जिक्र किया, अवेयरनेस तो होती है, लोगों को पता है कि लोगों को टैक्स तो देना है, एक अच्छी बात है ना, पता है, लेकिन ये भी पता है कि जिस दिन टैक्स दिया उसके दूसरे दिन आप ही के लोग पहुंच जाएंगे पैसे पकड़ने के लिए, ये तो एक हकीकत है जिसको हम नहीं मानते हैं, इनकार कर देते हैं, लेकिन हकीकत मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में तमाम नेमतों के बावजूद इंप्लीमेंटेशन में हर जगह हम बहुत कमजोर हैं। तो जब इंप्लीमेंटेशन में हम, मैंने आपसे क्या कहा कि अभी आपको बहुत खुशी मिली IMF से कर्जा मिला, चीजें मिली, लेकिन देखना यह है कि हम इसको इंप्लीमेंट, हालांकि इस बार खैर बहुत सख्ती की उन्होंने और IMF ने भी काफी इनको फासले फासले पर रखा, यह कीजिए तो यह होगा। ये दूसरी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ द की फॉर द सक्सेस, कि आप पहले तय करें कि आपका प्रोसेस, क्योंकि हर आदमी, अब तो खैर चले कुछ बेहतर सूरत हाल इलेक्शन के भी पता चल रहा है कि हाँ हो जाएगा, अच्छी बात है, तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो आप हमें मुआशी बदहाली, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
आबादी का इजाफा, एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। लेकिन फातमी साहब, आज या कल जो हम देख रहे हैं इस वीक के आगाज से जो जितनी न्यूज़ आ रही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि अब तमाम चैलेंजेस पे काबू पा लिया जाएगा। नहीं, वो गलत आ रही है। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ गलत। जी गलत है, बिल्कुल गलत है। किस लिए गलत है? नहीं, वजह बता। देखिए, अब आप इसकी जगह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ ली, फिंच की रिपोर्ट पढ़ ली, वो हर जगह कह रहे हैं कि फिंच ने तो अपग्रेड किया। साथ क्या कहा कि यू आर विद इन द सर्किल ऑफ ए वेरी हाई रिस्क। आपने एक कदम जो उठाया है बेहतरी की तरफ है। मैं तो कह रहा हूं, मैं ये तो कह रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम पॉजिटिव आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये, मैं आपसे जो पहले भी कहा था कि जज्बाती होने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये रफ्तार बरकरार रखें, रफ्तार रोके नहीं, क्योंकि अगर रफ्तार रोक देंगे तो बीच में हर्डल आ जाएगा और उसके लिए पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहना चाहिए। यही स्पीड चाहिए, यही विल चाहिए, यही एक्साइटमेंट चाहिए। तो मैंने तो देखा हर 2-4 साल पे एक वलवला आता है, पूरी कौम खड़ी होता है, लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाती है, जहाद के उसके बाद सो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि हमें जो प्रोसेस हमने जारी किया, ये प्रोसेस जारी रखना चाहिए, ये जो पैसे आए इसको यूटिलाइज करना चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन IMF ने दिया उस पर ईमानदारी से काम करना चाहिए, जो उन्होंने सब्सिडी मना किया वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि जहां आपने डंडी मारी वहीं आप मारे जाएंगे। ये है मेरा पॉइंट, और कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल सही बताया है फातमी साहब आपने। अच्छा फातमी साहब, और दूसरी एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना। एग्रीकल्चर के ऊपर हमने देखा कि कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी तवज्जो दी और पहले से भी काफी अरसे से कोशिशें की जा रही थी कि आपको एग्रीकल्चर की यानी कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है। आप क्या समझते हैं, जो इम्पोर्टेड आइटम का बिल हमने दिया है इस बार, जो हमारा एक बड़ा अमाउंट जो है वो उसका एक चंक वो इम्पोर्टेड आइटम की तरफ गया है, अब हमें थोड़ी सी ऐसी कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल, हमें कब भी नहीं करना, लेकिन हमें कंट्रोल ऐसे करना है कि वो हमारे लिए फायदेमंद बनके साबित हो। मैंने तो देखिए पहले कहा कि कोई चीज दुनिया में रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में तो नहीं होता। लेकिन आप ये कह दे, सिर्फ एग्जांपल फर्ज कीजिए आपका 20 रुपए का इम्पोर्ट है, तो आप कह दीजिए साहब अगले साल 18 रुपए का होगा, 2 रुपए कम कर देंगे हम, 10% कम कर, आप एक प्लान कर लें कि हम, क्योंकि देखिए इम्पोर्ट आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें और उसी पे आपके सारी, क्योंकि सारी जो रॉ मटेरियल वहीं से आ रहा है। आप ये कहें कि भाई 10 साल में हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इम्पोर्ट 50% कम कर देंगे तो आप कामयाब हो गए। ये नहीं कहें कि हम फौरन तो कर ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि जो आपके इंडस्ट्रियल सामान आता है वो अहम है, वो रोक नहीं सकते। आपके पास अभी तक मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं है सिरे से, क्योंकि आपके पास स्टील मिल नहीं है, तो स्टील मिल नहीं है तो आप छोटी इंडस्ट्रीज नहीं है, तो छोटी इंडस्ट्रीज नहीं तो आपकी कोई ऑटोमेटिकली बड़ी भी नहीं होती, सीधी सी बात। अच्छा, दूसरी बात जो बार बार जो रिपोर्ट है वो ये है कि आपके पास एग्रीकल्चर के माहिर नहीं है, माहरीन नहीं है जो एग्रीकल्चर में गाइड कर सकें। वो अगर उनको मिल गया तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि जदीद मालूमात और महारत नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे, आप बताएं ना। अच्छा, दूसरी जो मैं बार बार कहता हूँ उसको लोग इग्नोर करते हैं, आबादी जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान में। आबादी बहुत बड़ा थ्रेट जिसमें हम बिल्कुल गौर नहीं करते। राइट, चलें, अभी हमें ज्वाइन किया है मलिक अरशद साहब ने, उनको खुश आमदीद कहते हैं। आप चेयरमैन हैं डब्ल्यू ग्रुप ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइए मलिक साहब, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक रिवाइवल देखा जा रहा है, IMF ने भी अपनी एक पॉजिटिविटी दिखा दी है, अपना जो एक हाँ है वो कर दिए, अब हमारे पास सऊदी अरब का भी एक अच्छा अमाउंट जो है वो जनरेट हो चुका है। डू यू थिंक दैट कि जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो ये पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए हैं, वो कितना ज़्यादा गवर्नमेंट की जानिब से कोशिश है? और दूसरा ये कि हम सबको मिलकर आगे जो भी रिफॉर्म्स होते हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, जिसमें जैसे आप खुद ही बता रही हैं कि जो रिवाइवल के स्टेप हो रहे हैं, इसमें नो डाउट एट ऑल कि सारी चीज़ें जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन थी 8-10 महीने पहले और जिस टर्माइल से हम अपरेंटली गुजर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने इसको पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उस चीज़ों से दूर ला के राइट ट्रैक पे ले आए हैं। और बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं जो अहम रोल अदा कर सकते हैं, उनकी एक कमेटी बना के, और पाकिस्तान के जो इस वक्त जो सिचुएशन थी, जिस टफ सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, उसे बचने का जो एक ही रास्ता था वो यही था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, और दूसरा जो है जो हमारे अपने रिसोर्सेज हैं वो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट निकालें। उसके लिए वही एक कमेटी को टास्क दे दिया गया, जिसके लिए कल एक सेमिनार भी हुआ, वो नेशनल सेमिनार ऑन फूड सिक्योरिटी,
जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद मौजूद थे, और ये सारी चीजें यानी और इसके ऊपर मैं बाद में आ जाता हूँ कल के सेमिनार के ऊपर। तो जो इंटरनेशनली IMF ने एग्री कर लिया, उनकी जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान ने उनको कंप्लायंस की है, और उसके बाद सऊदी अरब ने भी आज $2 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाउंट में भेज दिया, चाइना उसकी अब कंट्रीब्यूशन है, कतर की, UAE के, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी जो कंडीशन थी कि IMF जो है वो अगर आपके साथ अलाइन होता है तो वी आर रेडी टू असिस्ट यू आउट, और IMF का था कि आपके दोस्त ममालिक जो हैं जब वो आपके साथ चलेंगे तो हम आपके साथ अलाइन हो जाएंगे। तो एनी हाउ इन चीज़ों को हमारी गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है, और ये कहने की हद तक ये आम सी बातें जब हो जाती हैं तो लगता है कि जैसे सब कुछ बहुत ही आसान था, जैसे लगता है बिल्कुल आसान, लेकिन आसान ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिशों की वजह से हुआ। और मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कह लूं या क्या कह लूं, जो IMF का जो ये इस वक्त उसका हमारे साथ खड़े होना है, इसको हम मैं जरूर ये कहूंगा कि जब कोई मुश्किल वक्त में जैसी भी कोई मदद मिल जाए और बंदा बैक ऑन द ट्रैक, राइट ट्रैक आ जाए, तो उस पर शुक्र ही अल्लाह का अदा करना चाहिए। और बड़ी इनकी अंतक मेहनत और बड़ी रिपीटेड एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस तरमाय से निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा जो हमारे दुश्मन मालिक थे वो जैसे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान आज गया, कल गया, परसों गया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उस सिचुएशन से निकल के, और जो हमारा टारगेट है कि हम अपनी इंपोर्ट को कम करके उसका सब्स्टिट्यूट डेवलप करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, उसके ऊपर ये जो इतने हाई लेवल की कमेटी बनी है और जो बड़े क्लियर उन्होंने अपने गोल रखे हैं, और स्पेशली जो उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की और कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, हमारे इतने ज्यादा रिसोर्सेज जो है मैडम ये जाया हो रहे थे, और उनका प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं थी, उनके लिए कोई स्टोरेज नहीं थी, यानी हमारा एग्रीकल्चर के जो रिसोर्सेज हैं ये बेसिकली जाया हो रहे थे, और हमारी लिमिटेड ये रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर हमारे हमें R&D की जरूरत है, हमें उस यील्ड को बढ़ाने की जरूरत है जो इस वक्त इंटरनेशनली इंडिया पर एकड़ यील्ड ले रहा है, या बाकी वर्टिकल फार्मिंग की हमें जरूरत है। हमारी चूंकि सर अब तो कहा जा रहा है कि बड़ी अच्छी मशीनरी भी यूज होगी, टेक्नोलॉजी भी यूज होगी, सीड्स की भी बड़ी अच्छी जो है वो हम कह सकते हैं एग्जाम का इस्तेमाल किया जाएगा। जी जी, हाई यील्ड जैसे आप कह रहे थे ना, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए आई एम आल्सो एग्रेरियन और मैं साथ एंटोमोलॉजिस्ट भी हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट तो बाद में बन गया, तो ऐसी बात नहीं है जो इस वक्त VN लेके, मैं कहता हूँ इतना बड़ा ये स्टेप है जो फ्यूचर में हमें अंदाजा होगा कि ये जो कमेटी बनी है इस लेवल की कमेटी का जो बेसिकली कंसर्न है ना, मैं कंसर्न कि हमने कैसे इन रिसोर्सेज को रियलाइन करना है, हमने कैसे जो इग्नोरेंट फार्मिंग हो रही है, जो जो फार्मर्स हैं जिनको ये पता नहीं है कि हमारी हाई यील्ड वैरायटी कौन सी है, पर एकड़ यील्ड को कैसे हमने इंक्रीज करना है, या वो हमारी लैंड जो आबाद नहीं है उसको हमने आबाद कैसे करना है। हमें यील्ड बनाने का ये दो ही तरीके हैं ना, या हम अपनी जो लैंड है कल्टीवेटेड लैंड उसका एरिया बढ़ाएंगे, या हम वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर जाएंगे ताकि हम अपनी पर एकड़ यील्ड को या पर एरिया यील्ड को बढ़ा सके। और ये हमारी अपना जो डेफिसिट है गंदम का, वो 2.9 मिलियन टन का जो शॉर्टेज है, ये भी हमारी पूरी हो जाएगी, और फिर हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे। अभी हमें देखिए टमाटर तक एक्सपोर्ट करने पड़ते हैं, मुझे आज मैंने इसको देखा है तो 16 बिलियन रुपीस के हमारे 4 महीनों में टमाटर इंपोर्ट हो जाते हैं, जब हमारा यहाँ भी टमाटर जो है नहीं बन रहा। लास्ट ईयर तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा कि चैलेंजेस कितने थे, कितना वर्स्ट क्लाइमेट हमने फेस किया, कितना वर्स्ट फ्लड आया हमारे पास, तो हमने तो चैलेंजेस को देखा और फिर उसके बाद उनमें से उभरना सीखा। अब आप समझते हैं कि ऐसी आइटम्स, ऐसी नीच आइटम्स जिनको प्रमोट करने की जरूरत है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं फातमी साहब से भी बात कर रही थी कि वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, जैसे वो रेयर आइटम्स जो कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, उनकी हमारे पास एटमॉस्फेयर तो मौजूद है लेकिन अभी तक उसकी R&D नहीं है, क्या वो भी उस पर भी तवज्जो दी जाएगी? इस वक्त हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो हमें एग्रीकल्चर के अंदर R&D की जरूरत है, हाई यील्ड वैरायटीज की जरूरत है, और
फर्दर जो हाई यील्ड वैरायटीज हमारी डेवलप हो चुकी हैं उसके लिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, उसकी एक्सपेंशन की जरूरत है कि सब लोग उसी के ऊपर आ जाए। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो है IQF, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, कि जब हमारी अपनी जो फसल है वो ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, उस दैट इज द टाइम कि उस वक्त उसको फ्रीज किया जाए और जब उसकी डिमांड हो तो हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट को राइट टाइम पे एक्सपोर्ट किया जाए या मार्केट में दिया जाए। वो इतना हमारी एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाती है कि वो फिर बेचारे किसान को भी वो वाला रिवार्ड या वो प्राइस नहीं मिलती जो उसको मिलनी चाहिए। आप समझते हैं स्टोरेज हाउस पे भी काम करने की जरूरत है हमें अपने। तीसरी बात मैं जो कहने लगा था कि हमारा जो देखें जो ग्रेन स्टोरेज हाउसेज है या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज है उनको काम करने के लिए हमें स्टोरेज की जरूरत है। अभी मैं आपको बताऊं ये आप रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं कि हमारे जो स्टोरेज इतने पुअर स्टोरेज हैं गवर्नमेंट के, उनको अगर हम अच्छा करें, ये बाद में अपनी जो स्टोरेज कर रहे होते हैं उसमें मट्टी और इंसेक्ट पेस्ट उसके वजह से जो लॉसेज हैं उनको कंट्रोल प्रॉपरली नहीं किया जाता, फिर बाद में मट्टी मिला के उसको पूरा किया जा रहा होता है। तो अगर हम इन बेसिक चीजों को, यानी ये रियलाइजेशन है इतने बड़े मालिक साहब, छोटी छोटी चीजों पर भी काम करने की जरूरत है। आप समझते हैं अब हमने तमाम जो है वो मोटी मोटी चीजों को देख लिया है, अब हमें बिल्कुल बारीक चीजें जो कि जिनके ऊपर काम नहीं हुआ उनके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। आप समझते हैं मालिक साहब ये कल्टीवेशन का अमल ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये 5 or 6 months का जो है वो प्रोसेस है और उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगी, राइट? ऐसे ही है। और आपकी जो इतनी बड़ी मार्केट है, देखिए चाइना ने आपको गोल्ड दे दिया है कि हमें आप लाइफ स्टॉक दें और आप अपनी क्राफ्ट को हमें दें, हमें सऊदी अरब कह रहा है वो पहले ब्राजील से इंपोर्ट कर रहे हैं बाकी चीजों, यानी महंगी उनकी इंपोर्ट है। दे हैव रियलाइज कि हम पाकिस्तान की लैंड को इस्तेमाल करके कारपोरेट फार्मिंग से हम यहाँ से इंपोर्ट करें, आपका यूएई आपका इतना बड़ा कस्टमर है, यानी ये 3-4 मुल्कों ने तो आपको कोट दे दिया है कि जो आपकी प्रोडक्शन होगी हम टोटल आपसे लेंगे। ये हमें अपने फार्मर्स को लाइफ स्टाइल फार्मिंग में लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है कि उनका, यानी अभी तो फूड इतनी अच्छी आ गई है कि आपका जो पहले एनिमल 300 केजी का होता था अगले 2 महीनों में वो 500 केजी का हो जाता है। तो आप इन चीजों को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करके एक्सपोर्ट पे चले जाएं और आपकी जो एक्सपोर्ट कम हो रही है इसको आप बढ़ा सकते हैं। ये जो हमारी कमेटी बनी है इसके थ्रू और बींग फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ कि फार्मास्यूटिकल का भी इतना बड़ा स्कोप है कि एग्रीकल्चर प्लस अदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और फार्मास्यूटिकल इटसेल्फ इंटरनेशनली $1,800 बिलियन की मार्केट है और टेक्सटाइल जो हमारी स्पोर्ट है और उसकी इंटरनेशनल मार्केट सिर्फ $1,200 बिलियन की है। तो इंडिया की इतनी बड़ी एक्सपोर्ट हो गई, बांग्लादेश की सिर्फ $70 मिलियन की एक्सपोर्ट थी 2015 में, अभी उनकी $200 मिलियन तक पहुंच गई है, हमारी $230 मिलियन हमारी एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह, ओवरऑल एक्सपोर्ट कम हुई है लेकिन फार्मास्यूटिकल की एक्सपोर्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह $230 मिलियन से $290 मिलियन पे चली गई है। और बांग्लादेश ने टारगेट किया है 2027 तक कि हम $7 बिलियन पे जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अभी हम भी अगर उन्होंने पांच का किया है, हम $10 बिलियन पे जा सकते हैं अगर अगले 4 साल, जैसे इस वक्त गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ टैक्स रिलीफ दिया है कि जो आपकी बेसिक इंडस्ट्री है जो पिछले 17 साल में फ्लरिश नहीं कर सकी उसको ग्रो करने ये के तो लिए आप लोग कब से डिमांड करते हुए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाले डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे थे और फाइनली अब आपको ये रिलीफ मिला है, तो इट मींस कि अब आप लोग भी कुछ कर दिखाएंगे एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर। नहीं ऑफ कोर्स, आप मैं बता रहा हूँ ना, आप डेटा लेना तो हमारी एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 16-17% बढ़ी है जी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो ओवरऑल आपकी ऑयल प्राइसेस है, डॉलर प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, हमारा रॉ मटेरियल हमारा इंडिया और चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है 93%। In spite of all these challenges, हमारी एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है। तो हम समझते हैं कि थोड़ा सा जैसे इस गवर्नमेंट ने आके रिलीफ दिया है और लोगों को एक होप डेवलप हुई है लोगों की कि पाकिस्तान
जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रहा और कुछ फाइनेंशियल इतना बड़ा कोई चैलेंज हमें नहीं आ रहा। वेल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, थैंक यू सो मच मलिक अर्शद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस, और हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी यकीनन आने वाले दिनों में तरक्की करते हुए देखना है, जो कि एक स्पीड नजर आ रही है, इस स्पीड को हमें बिल्कुल तेज ही रखना है, जैसे फातमी साहब ने कहा कि इस स्पीड को बढ़ा के रखना है, कम नहीं करना है। फातमी साहब, टैक्स रिफॉर्म्स की भी बात की और जैसे एक छूट दी गई 1% या 2% की फार्मास्यूटिकल सेक्टर को, इस तरीके से वो सेक्टर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको रिलीफ देना चाहिए, ताकि वो कुछ कर दिखाए। और जैसा कि अभी कहा इन्होंने, बिल्कुल दुरुस्त कहा। असल में देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे सोयाबीन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको पता हम इम्पोर्ट करते हैं, बहुत बड़ी इम्पोर्ट है, जो जबकि हमारी जो जमीन है उसके लिए नहायत सुटेबल है। पाम ऑयल, उसके लिए हमारी जमीन बहुत सुटेबल, हम आप आसानी कर सकते। इससे हट के, चूंकि ये सब्जेक्ट आज का गो ग्रीन था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसको गो ग्रीन के लिए पोल्यूशन पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वेस्ट को रिसाइकिल करने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम ये सब काम नहीं करेंगे ज़रात में भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप पोल्यूशन खा रही है इनको ये चीज़ें। फिर इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आपको बताना होगा कि गंदम के खेत में आप अगर चीनी बनाएंगे तो गंदम तबाह हो जाएगी आपकी। ये अभी तक ये इस पर बहुत कम प्रोग्राम हुआ है, हिंदुस्तान में बहुत प्रोग्राम हुए हैं कि चीनी जिस जगह शक्कर पैदा होती है उस जगह मीलों मील ज़मीन बंजर हो जाती है, फिर वही चीज़ हो सकती है। तो ये वो इसीलिए मैंने कहा था एक्सपर्ट्स लाने की ज़रूरत है जो एग्रीकल्चर के उससे वाकिफ हैं, उनसे पूछा जाए। जैसे सिंध की ज़मीन है वो एक ख़ास मिजाज की है, चावल है, कॉटन है, पंजाब की ज़मीन गंदम के लिए बहुत पावरफुल, तो आपको सोयाबीन के लिए दोनों ज़मीनें बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ज़मीन के साथ साथ हमारा क्लाइमेट भी उस क्लाइमेट है ना, इसी तरह जो हमें जो एसेट्स हैं, जो नेचुरल एसेट्स हैं, उनकी हिफाजत ज़रूरत है, उनको डिक करना ज़रूरत है। तो ये बहुत देखिए पाकिस्तान तो हम हर बार ये कहते हैं, जो हमारा रोना है वो ये कि अल्लाह ताला की तरफ से तो सारी नेमतें दे दी गई, हम गड़बड़ कर जाते हैं हर जगह, तो हमारा अपना कसूर है ना, किसी और का तो नहीं है, हमारे पास क्या चीज़ नहीं, आप बताइए ना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आधी दुनिया मैंने देखा, यानी आप देखिए बेहतरीन समुंदर, बेहतरीन केटू पहाड़, बेहतरीन सरसब पंजाब, बेहतरीन सहरा सिंध, अब बाकी क्या चाहिए आपको? बाकी मुल्कों में तो चार चीज़ें हैं ही नहीं हैं, किसी के पास पहाड़ है तो रेगिस्तान नहीं, रेगिस्तान है तो समुंदर नहीं, बहुत। तो हमें इसका अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जितना भी करे कम है, लेकिन हमें शुक्र के साथ जो नेमतें मिली उसके इस्तेमाल के तरीक़ेकार पे ईमानदारी से गौर करना चाहिए। और सबसे अहम ये है, बार बार मेरा मैसेज कि देखिए अगर आप बहुत डीप डाउन जाके देखेंगे तो हमारे यहाँ जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान है, उसकी घर की आमदनी किसी तौर पे इतनी नहीं है कि उसका घर चल सके, जिसकी वजह से दो नतायज होते हैं, करप्शन हो जाता है या मॉरल ख़त्म हो, मुराद बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें टैक्स लें, टैक्स दें, आसानी दें, सब्सिडी, लेकिन वो तमाम इलाके जिनकी आमदनी अब उनके अखराजात से बहुत कम है, उनके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल कुछ ना कुछ। दूसरी बात कॉटेज इंडस्ट्री है कि जो लोग गरीब हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो टेक्निकल हैं, यानी कुछ ना कुछ काम जानते हैं, दस्तकारी जानते हैं, हुनर जानते हैं, ख़वातीन काम जानती हैं। अब यहाँ भी चली जाए गारमेंट फैक्ट्री में आपको 99% ख़वातीन काम करें, आप उनको कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट काम करें वो, ताकि आगे बढ़ें, ख़त्म बात। वेल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, फातमी साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया आज के दिन, हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन की जिसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी था। पाकिस्तान के लिए लिए जाने वाले मुस्बत इकदाम तमाम बनकर बहुत अच्छे साबित हुए हैं, अगर ऐसे ही हमारी स्पीड रही, जैसा कि हमने कहा कि ऐसे ही अगर हमारा तसलसल रहा तो आने वाले दिन बहुत बेहतरीन होंगे। दैट्स इट, इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।